हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग पे। और आज क्योंकि है सोमवार जब ये व्लॉग बन रहा था, तो हम लोग आए हुए थे मंदिर में। और सोमवार की शुरुआत अगर भोलेनाथ जी के दर्शन से और पूजा से हो जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद हम आ गए घर, और यार घर आके पता लगा कि ये तो दोबारा से वाईफाई बिगड़ गया है। तो अभी ये भाई वाईफाई ठीक करने लग रहा है, तो अब ये लगभग हो गया है। तो हेलो मेरी तरफ से सबको। और ये देखो क्या दिखा, जस्ट हम मंदिर से आए, वाईफाई ठीक करवाया और यहाँ पे बैठा हुआ है मोर। ये मोर यहाँ पे पार्क में घूमता रहता है। और सिर्फ यही नहीं, कई बार क्या होगा जैसे जब रात हो जाती है ना, तो ये क्या करते हैं, जितने भी आसपास के मोर है, करीबन 9-10 के करीब मोर हैं, ये सारे के सारे हमारी छत पे आ जाएंगे या यहाँ पे आगे की तरफ पार्क में आ जाएंगे और यहाँ पे घूमते रहेंगे। और स्कूबी को ऐसी आदत हो रही है इनकी, मतलब वो नेचर में आ चुका है उसके। ऐसे क्या होगा, ये बाहर निकलेगा ना बिल्कुल भी नहीं छेड़ता इनको। हाँ वैसे जैसे अंदर बंद है तो अभी जैसे भाव भाव कर रहा है, पर जैसे बाहर चला जाएगा उनको सूंघ के, और वो भी उनको भी आदत सी हो चुकी है इसकी, इसको सूंघ के और वो भी अपना घूमते रहेंगे, तो बड़ा मस्त नज़ारा रहता है। तो ये एक बार हम शाम को दोबारा आए मंदिर में, क्योंकि सुबह क्या था, जो हमने प्रसाद आदि बनाया था वो बांटना रह गया था, तो अभी उसको हमने बांट दिया है सारी जगह यहाँ पे। यहाँ रख दो, और अब हम जा रहे रख दो हैं रुपए, सीधा घर वापस मंदिर चलो से। अंदर चलते हैं। ये बड़ा ही सुंदर मंदिर है हनुमान जी की, और ये भोलेनाथ जी की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है, वाकई में मंदिर अच्छा है। अभी अंदर आ गए हैं, अभी जोत वोत लगा के, और मैं और गोली तो भाई साइड में बैठे हुए हैं। ये देखो अभी दिखाता हूँ हम दोनों कहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बैठे हम दोनों पापा बेटा यहाँ पे। और एक चीज दिखाता हूँ ऊपर की तरफ देखो, ये मंदिर के गुम्बद ना, अगर किसी को पता हो ना तो कमेंट में डाल के जरूर बताना कि यार ये ऐसे क्यों होते हैं मंदिर के गुम्बद, मतलब क्या ये इसलिए होते हैं ताकि बंदा बैठ के गर्भगृह में आराम से ध्यान लगा ले। चलो आगे चलते हैं। तो भाइयों कैसे हो, स्वागत है आप सबका ब्लॉग पे। जीजा के आज लूज और मोशन लगे हुए हैं। जीजा के आज, सही कह रही है, जीजा के आज लूज मोशन लगे हैं। और जीजा का आज लूज मोशन ही नहीं, ऐसी तैसी हो गई थी, बिरान माटी हो गई थी आज मेरी बुरे तरीके से, इसीले इतनी बार गया हूँ मैं वॉशरूम, पूरा दिन का बैंड बज गया मेरा आज। अब जाके कुछ शांति सी हुई है, और अभी भी लगभग 8:30 हो गए हैं, और अब जाके ऑफिस का काम खत्म हुआ है। ऑफिस का काम भी, लूज मोशन भी, भाई साहब बुरे हाल हो गए आज तो। अब जाके थोड़ी शांति हुई है। हुआ ये, स्कूबी को लेके गया था मैं कल घुमाने के लिए वहाँ पे, तो उसको झाड़ियों में दिख गए एक दो कुत्ते, वो उनके पीछे भाग लिया। और जैसे ही वो उसके पीछे भागा ना, तो ये वाला हाथ है, मैंने इससे पकड़ रखा था उसको, ऐसे झटका मारा और मेरी जो कमर थी ना, पूरी की पूरी कमर इसकी बैंड बज गई। और वो कहते ना डूडी डिग्गी, मतलब दोनों धरण डूडी जो भी है वो सारा का सारा टिक गया। तो जब जाके मम्मी जी ने बोला तेरी तो कमर जो है उसके कारण वो झटका लग रहा है, और ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कर, जब वो करी है जब जाके थोड़ा ठीक हुआ है। तो चेतन भाई भी अपना आ गए हैं ऑफिस से 8:30 बजे, और अब चलते हैं। ये देखो आइसक्रीम, आइसक्रीम लेने चलते हैं। देखो सबसे बड़ा आइसक्रीम चोर, इसको भी खा चुका है अपनी आइसक्रीम ऑलरेडी। अब ये मेरी बची हुई है, और इस आइसक्रीम पे भी इसकी नज़र है, पर मैं नहीं देने वाला इसको और, क्योंकि ये मोटू लाल अपनी खा चुका है। माता जी कैसी हैं आप? मम्मी जी ने भी खा ली, ऐसे खाती नहीं मम्मी जी। मेरे गोली देखो चिपका हुआ है। ये रही सबकी आइसक्रीम, ले लो भाई अपनी अपनी, प्यार भी पूरा करता है पापा को। देखो अपनी चम्मच मेरे को दे दी इसने, गल्लों ने। अब इसको नींद आ रही है इसका, मुँह देखो है माँ, नींद आ रही है इसको, सोने वाला है ये। आज इसके चोट लग गई साइकिल चलाते चलाते, इसके वो लग गई सीट। क्या कैसे हुआ था माँ? सारी नहीं होगी भाई, आइसक्रीम खत्म। चलो चलते हैं, घूम के आते हैं अब रात को थोड़ा। पापा जी तो सो गए, बैठे बैठे ही सो जाते हैं, पता नहीं कैसे सो जाते हैं, मेरे बस का तो है नहीं। और सो गए ये हमारी गली के कुत्ते, हम इन्हें भी अच्छे तरीके से रोटी वोटी देते हैं, सारी चीजें दो, क्योंकि स्कूबी तो है ही, ले बेटा। और ये भी बहुत ध्यान रखते हैं हर चीज का, जब भी स्कूबी आएगा ना कभी स्कूबी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि इन्हें पता है वो इनका भाई है, पर स्कूबी तो है ना शैतान। खा ले बेटा, खा ले खा ले खा ले रोटी खा ले, ठीक है खा ले तू रोटी खा ले,
लगता है इसका पेट भर गया, एक दो पहले भी डाल दी थी रोटी। हाँ टायरों में इसके हवा डलने के बाद ये बहुत सही हो गया रात को है। इसके जो पीछे है ना, नमस्ते अंकल जी, इसके जो पीछे है ना अब की बार वो लगवाऊंगे, कैरियर लगवा देंगे जिसमें जो बैठने वाला नहीं होता सामान लगाने वाला, वो ना मजबूत भी रहेगा और वो प्लास्टिक का फिर लगा देगा, फिर टूट जाएगा 2-3 दिन में। इसके पीछे वो था फ्लैप, वो प्लास्टिक टाइप का, वो टूट गया इसका फ्लैप। इससे बढ़िया हम इसमें ना आपके पास कैरियर लगवा देंगे। चलो चलते हैं यार, आगे अंधेरा है, कुछ होगा तो दिखाते हैं। अब ये जो बाकी के जो कुत्ते हैं ना उनको भी हम कुछ कुछ खाना डालते हुए चलते हैं। ये देखो लगभग सारी गली के कुत्ते हमें अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं और हम इनके सारा चाट लिया इसने मेरा लोग, और यहाँ से अपने बेटे के लिए लेके गई है। इसके 3-4 बच्चे थे, इसका बस एक ही बच्चा बचा हुआ है बस बेचारी का। आगे भी हैं कुत्ते, उन्हें भी डालेंगे ऐसे ही। चलो आगे डालते हैं यार, बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो गया। आज मैंने वीडियो बनानी थी, वे छोटे 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 पिल्लू रहे ना वे इस गली में, और पता नहीं कहाँ पे है वे, उनकी वीडियो बनाते आज कि छोटे छोटे पिल्लू रहे हैं यही ना, छोटे छोटे पिल्लू रहे आते हैं वे, बिल्कुल इतने इतने छोटे छोटे से हैं। उनके लिए हम रोटी भी लेके आए हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए वो, कहीं दिख नहीं रहे। ये उसको भी डाल दिया हमने, इसको भी डाल दी रोटी हमने। ओ गिर गया, ऐसे ही गिरता पड़ता रहे। खा ले बेटा, ओ दो और भी हैं पाछे देखे मेरे। देख लेगा तो पाड़ना ले, बाकी भी खा लेंगे आपस में। एक उस भी दे दे पाछे आड़े दे। अच्छा खा गया वो, चलो चलते हैं। इतनी सी रोटी किस किस के मुंह को लगा। बात तो यार भी सही है, क्यों हम तो पिलूरों के लिए लाए थे ना, वहाँ वाले पिलूरों के लिए। आ जा चलो, दूसरी बार गिर गया। घर आ गए भाई हम वापस, और ये गल्लो घुमा रहा है साइकिल, लगभग हम आ गए हैं घर वापस। अभी मेरा लूज मोशन नहीं लगा, मैं ठीक हो चुका हूँ, ठीक है ना बदतमीज। हाँ चेहरे लग रहे हैं। तो भाई अब मिलते हैं सुबह आपसे, और ये हो गई सुबह। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अब हो गई है सुबह और अब हम एक बहुत ही जरूरी काम करने जा रहे हैं। अभी स्कूबी को नहलाने जा रहे हैं,